यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सबका द इमोर्टल सिग्नेस्ट के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज ना इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए थोड़ा सा सरप्राइज है, तो जल्दी जल्दी करके ना वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही जाना, स्किप मत कर देना। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक सुनसान सा लेक दिखा रहे थे जिसके ऊपर ना दो तीन यहाँ पे कल्टीवेटर आ चुके थे जो आपस में बात कर रहे थे कि जल्दी जल्दी करके हम लोग को जो फॉर्मेशन है उसे तैयार कर दो, वरना आज भी ये बंदा हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। तभी हम लोग को पता चलता है ये लोग यहाँ पे एक रेड कोई ड्रैगन फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी इसी ग्रुप का लीडर को दिखाता है जो कहता है कि फाइनली इतने सालों के बाद हम लोग को जो ग्रैंड फॉर्मेशन है ना इसके अंदर ये बंदा कैप्चर हो चुका है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज हम लोग फाइनली इसी कोई फिश को पकड़, लेकिन तभी दिखाया जाता है कोई तो बंदा आता है, आने के बाद उस फिश के साथ टकरा जाता है जिसके वजह से ना वो फिश उन लोगों के जो जाल था उससे निकल जाता है। तभी वो बंदा कहता है किस नाम उड़ के यहाँ पर हिम्मत हुआ कि हम लोग के इस फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं लाओसांग था जो कि उसी डिमोनिक फैक्शन का एल्डर था। देखने के बाद वो यंग मास्टर कहता है कि ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यानी कि ये बंदा भी डिमोनिक काल से था। तभी वो कहता है कि यंग मास्टर देखिए ना मेरे पीछे ना एक बंदा पड़ा हुआ है जो मुझे मारना चाहता है। तभी वो कहता है किस बंदे का इतना हिम्मत हुआ कि हम लोग डिमोनिक काल के एल्डर को मारना चाहता है। तभी हम लोग पीछे से छोटे फैंग को दिखाता है जो आने के बाद कहता है इस बंदे का हिम्मत हुआ, थोड़ा सा पीछे घूम के देख लो। तभी वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये बंदा कहीं भाग रहा था लेकिन ये तो मुझे तुम लोगों के पास ला रहा था, चलो मुझे और भी ज्यादा बंदे पीटने का मौका मिल गया। जो सुनने के बाद अभी जो डिमोनिक क्लान का बंदा था ना वो बहुत ही गुस्सा होता है और गुस्से के साथ में हंसता है और कहता है क्या तुम मुझे मारोगे, आज बच्चे तुम यहाँ पे जिंदा कैसे निकल सकता हूँ ये तुम सोचो पहले। लेकिन छोटे बच्चे मैं तुम्हें देखने के बाद ये तो कह सकता हूँ कि तुम एक जीनियस हो क्योंकि तुम अपने इतने छोटे उम्र में जो डिवाइन ब्रिज पे आ चुके हो, लेकिन वैसे भी आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो उसके पहले ना तुम अपना नाम बता दो और इसी के साथ अपने बाकी सारे बंदे से कहते हैं कि जल्दी करके अपना फॉर्मेशन को यूज कर दो, ये इस फॉर्मेशन मास्टर के हाथ से बचना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे फैंग कहता है कि मेरा नाम ना छोटा बच्चा फैंग है और मैं मेरा डिवाइन ड्रैगन सेट का डिसाइपल हूँ। जो सुनने के बाद अभी यंग लॉर्ड कहते हैं क्या डिवाइन ड्रैगन सेट, इसके बारे में तो मैं पहले बार सुन रहा हूँ, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तभी उसके जवाब देते हैं एल्डर कहते हैं हाँ माय लॉर्ड, जो चेंग फैमिली है ना वो लोग ना बहुत ही दिन से किसी को ढूंढ रहे थे अपने मदद के लिए, शायद उन लोगों को इस छोटे सेट का मदद मिल गया। जो सुनने के बाद अभी फैंग बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम मेरे बारे में जो भी कहना चाहते हो कहो, लेकिन डिवाइन ड्रैगन सेट के बारे में कुछ उल्टा सुलटा मत बोलना। और इसी के साथ फैंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पे छोटा लॉर्ड कहता है कि जल्दी करो इस बंदे को ना पकड़ लो। तभी बाकी सारे बंदे भी अपने अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और दूसरे हम लोग फैंग को दिखाते हैं जो कि उसी एल्डर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी दिखाया जाता है अचानक से हम लोग फैंग का बॉडी ना रुक जाता है और जो टीप था ना एकदम उसी एल्डर के गले के आगे आके रुका था। तभी पीछे से वो बंदा चिल्ला के कहता है कि देखो अभी हम लोग को फॉर्मेशन का पावर देखो। और तभी दिखाया जाता है फैंग के पीछे ना बहुत सारे फॉर्मेशन आके लग गए थे जहाँ पर जैसे थे पहले फॉर्मेशन था तो हम लोग का बंदा निकल जाता है, लेकिन बाद में देखते हैं ये जो जितने सारे फॉर्मेशन उसके पीछे लगा था ना वो जहाँ पे जा रहा है वो फॉर्मेशन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। और यही पर सीन शिफ्ट हो गए हम लोग को डिवाइन ड्रैगन सेट का लेजेंडरी कैरेज को दिखाते हैं जिसके अंदर की हम लोग सेकंड मास्टर बैठ के ये सब कुछ देख रहा था। और तभी वो सू से कहते कि अभी हम लोग छोटा बच्चा बहुत बुरा फंसा है, ये अकेले तो इस फॉर्मेशन से निकल नहीं पाएगा। जो सुनने के बाद सू कहते कि माय लॉर्ड क्या मैं अपने छोटे भाई को मदद करने के लिए जाऊं। जो सुनने के बाद अभी बैठे कहते नहीं थी मेरी बच्ची, अभी तेरे पास जो पावर है ना वो बहुत छोटा है, इसके लिए तो लू भी ही है, जल्दी करके लूबी को बुला लो। और तभी हम लोग को बैटल फील्ड का सीन दिखाता है जहाँ पर कि हम लोग छोटा फैंग ना बहुत ही जद्दोजहद कर रहा था इस जो फॉर्मेशन है उसे निकलने के लिए, एक दो बार तो फॉर्मेशन उसको छू के निकल जा रहा था। तभी नीचे से वो यंग लड़का था देखो 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 ये बंदा अभी मरने वाला है, जल्दी करके मर जाओ। लेकिन तभी अचानक से कोई तो आता है, आने के बाद ना हम लोग फैंग को बचा लेता है जो देखने के बाद वो यंग लड़का गुस्सा हो जाता है, कह रहा है किसका हिम्मत हुआ हम लोग फॉर्मेशन के बीच में आने का। और तभी हम लोग को पता चलता है ये ना और कोई नहीं हम लोग डिवाइन ड्रैगन सीट का पैच है यानी लूबी थी जो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए आ गए थे। जो आने के बाद कहते हैं मैं डिवाइन ड्रैगन सेट का पैसे हूँ और किसका हिम्मत हो मेरे डिवाइन ड्रैगन सेट के डिसेबल के ऊपर हाथ उठाने का। और इसी के साथ वो छोटे फैंग के साथ चले जाता है और कहता है कि भाई क्या तुम्हें मेरा मदद चाहिए। तभी वो कहता है बासी सर आप तो बहुत ही एम बग में आ गए, अगर आप ना आते ना तो आज मैं मर ही जाता। जहाँ पर लूबी को देखने के बाद ना यंग लॉर्ड और भी गुस्सा हो गया था और कहता है कि अभी ये डिवाइन ड्रैगन सेट का पैसे कौन है, ये डिवाइन ड्रैगन सेट है क्या, जल्दी करो सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करो और जल्दी जल्दी करके ना इन दोनों को मार दो, उसके बाद हम लोग ड्रैगन फिश को पकड़ने वाले हैं। और इसी के साथ सब मिलकर उन लोगों के ऊपर फिर से फॉर्मेशन से अटैक करता है, लेकिन इस बार लूबी अकेले नहीं थे, लूबी के पास उसका भाई भी था, दोनों मिलके इस जो फॉर्मेशन था बहुत ही आसानी के साथ उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो कोई ड्रैगन फिश था ना वो उन लोगों के चंगुल से निकलने वाला था। जो देखने के बाद हम लोग जो लूट था ना एल्डर वो सबसे कहते हैं कि जल्दी करके वो जो ड्रैगन फिश है ना वो निकल रहे जल्दी जल्दी करो। जो सुनने के बाद यंग लॉर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहते जल्दी जल्दी करो हम लोग जो सीक्रेट टेक्निक है उसे परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ हम लोग यंग लॉर्ड और उसके बाकी सारे जितने दोस्त थे ना सब यहाँ पे एक फॉर्मेशन को यूज करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों का पावर यहाँ पे तीन गुना हो जाता है। और तभी यंग लॉर्ड सबसे कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो तुम लोग जो
पावर है ना मेरे अंदर भेज दो। और जो देखने के बाद अभी लोग पूछते हैं कि ये लोग इतने घटिया क्यों दिख रहे हैं, क्या ये लोग डीमन है? तभी हम लोग को पता चलता है ये तीनों के तीनों ना अभी डीमन के जैसे दिख रहे थे, जिन लोगों के सर के ऊपर ना दो दो सिंह आ चुका था। और यहीं पर इन तीनों को ऐसे फॉर्बिडन आर्ट यूज करते हुए देखने के बाद छोटा भाई फैंग भी कहता है कि चलिए सिस्टर हम भी हम लोग फैक्ट्री ने जो हम लोग को फॉर्बिडन आर्ट सीखा था ना उसका यूज करते हैं। जो सुनने के बाद अभी चौंक जाती है हम लोग लूबी और कहते हैं कि क्या तुम उसी फॉर्बिडन आर्ट के बारे में बात करो? तभी हम लोग फैंग कहते हैं हाँ हाँ सिस्टर मैं उसी का बात कर रहा हूँ, वैसा भी अगर वो तीनों हम लोग अटैक करते ना तो हम लोग बचेंगे नहीं। जो सुनने के बाद लूबी कहते हैं ठीक है भाई चलो इस बार तुम्हारा बात को मैं मान ही लेता हूँ। और इसी के साथ दिखा जाता है उन लोगों के पीछे ना एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन का तस्वीर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों पावर ना अचानक से बूस्ट होता है। तभी वो लोग कहते हैं सीक्रेट ड्रैगन एक फॉरबिडन आर्ट, जिसकी वजह से उन लोगों का पावर जो था तीन गुना बढ़ जाता है। जो देखने के बाद यंग लड़ सोचते हैं क्या हम लोग की तरह ये भी अभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग लूबी और उसका छोटा भाई ना ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, उन लोगों का पावर जो बढ़ गया था। तभी लूबी उसके भाई से कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो ये ना ब्लड सैक्रिफाइस की वजह से हम लोग का पावर बूस्ट हो रहा है और हम लोग का ब्लड यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से जल रहा है, तो जल्दी जल्दी करके इन लोगों को खत्म कर देते। और इसी के साथ लूबी बहुत स्पीड के साथ जाने के बाद ना जो डिमोनिक क्लाइंट के यंग मास्टर था ना उसे जल्दी से करके खत्म कर देते। जो देखने के बाद बाकी सारे दोस्त तो चौंक जाते हैं और तभी एल्डर भी सोच रहा था अभी मेरा क्या होगा। और तभी ना हम लोग छोटे बच्चे फैंग उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं और दोनों से कहते हैं कि तुम लोग तो यंग अलर्ट मर चुके हैं अभी तुम्हारा क्या होने वाला है। और इसी के साथ वो भी उन दोनों को मार देते हैं। और जो मरने के बाद कहते हैं कि अभी बुरा कुछ तेरा बारी आ चुका है तू जल्दी से भाग ले वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जहां पर ये देखने के बाद ना एल्डर तो बहुत ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे ना अभी यहाँ से कल्टे लेना पड़ेगा वरना मेरा भी आज यंग लड़के की तरह ही खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वो जा रहा था, तभी जाते जाते ना उसके सामने ब्लैक ही आ जाता है, जिसे देखने के बाद तो वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है ये तो एक सिंपल सा बिल्ली है, वो क्यों डर है? और तभी बिल्ली से कहता है कि बिल्ली मामू ना तू सुधर से साइड हट जा, ये जो एल्डर है इसे भागने दे, मैं ना तुझे अच्छे से मछली खिलाऊंगा। लेकिन ये तो ब्लैक ही था ना, उसे यानी नॉर्मल बिल्ली कह दिया, इसके वजह से उसने ना एक ही झटके में उस एल्डर का खेला कर देते खत्म। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया जाता है हम लोग का डिवाइन ड्रैगन सर्कल लेजेंडरी कर्ज यहाँ पे आ गया था, जिसके अंदर से अभी पैट्रिक निकलते हैं, जिसे देखने के बाद लूबी और ब्रह्माई ना बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम लोग पैट्रिक को दिखाते हैं जो कि ना सू के साथ आ रही थी, जहाँ पे सू उसके हाथ को अपने साथ पकड़ रखे थे। तभी यहाँ पे आने के बाद उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन वैसे ना फ्यूचर में ये जो आर्ट है फॉरबिडन आर्ट इसे दोबारा मत यूज करना वरना तुम लोगों का जो ब्लड है ना वो जल्दी जल्दी करके खत्म हो जाएगा। तभी हम लोग फैंक कहते हैं और तभी मैं सोचूं मुझे आज इतना कमजोरी क्यों फील हो रहा है। तभी पीछे से ब्लैक ही कहता है ए बंदे तू कमजोर है इसलिए तुझे कमजोर फील हो रहा है। तभी यहाँ पे सू कहते हैं कि यूनि सिस्टर आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, ये जो फॉर्बिडन टेक्निक है ना ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन तभी पैट्रिक ब्लैक से कहते हैं कि जल्दी से जाओ उस मछली के ऊपर जो फॉर्बिडन आर्ट है ना उसे हटा दो। और इसी के साथ वो फॉर्मेशन को हम लोग ब्लैक ही एक ही झटके में फटा देता है, जिसकी वजह से अभी जो मछली है ना आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होने के बाद ना एक इंसान में तब्दील हो जाता है। और तभी जल्दी से जाकर पैट्रिक को ग्रीट करता है। लेकिन तभी उसे पैट्रिक को देखने के बाद उसे पता चलता है ये जो महान मास्टर उसके सामने खड़ा है ना ये ऐसा वैसा नहीं ये खुद एक ड्रैगन है। इसके वजह से वो जल्दी से हम लोग पैट्रिक को ग्रीट करता है और कहता है कि सिस्टर आपको बहुत दिनों के बाद और आपका ये छोटा सा शिष्य ना आपको मैं ग्रीट करते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ भाइयों आज वीडियो में अगर आपको नाम ना आया ना तो नेक्स्ट में जरूर आएगा, नीचे कमेंट कर देना।